अपनी बात को यहाँ पे आप लोगों के साथ भी करना चाहूंगी कि वो जो असेंबली में बम फेंका वो वास्तविकता में क्यों फेंका। देखिए जब असेंबली की बात चलती है तो असेंबली में किसी भी तरीके का प्रदर्शन, भले ही जो जनप्रतिनिधि है वे एक काली पट्टी लगाकर ही क्यों ना अंदर आ जाए, तो उससे विश्व भर में ध्यान खींचा जा सकता है। अगर मैं उस समय की बात करूँ तो उस समय ऐसे वीडियोस और इतना मजबूत तंत्र नहीं था कि हम अपनी बात लोगों तक इतनी आसानी से पहुंचा सके। तो सबसे अच्छा तरीका ये था कि जैसा आपने बोला कि जिनकी श्रवण शक्ति कम होती है उन्हें सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है, तो वही धमाका हुआ था असेंबली में, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में आंतरिक तौर पर क्या चल रहा है वो सब तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि उस समय भी कई सारे भारतीय पूरे विश्व में फैले हुए थे और कई सारे ऐसे देश भी थे जो भारत की आंतरिक स्थिति समझकर हमारी मदद कर सकते थे। इस बात को मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा, जैसे इन्हें बोला है, पर उस समय एक बात और थी कि जो वो बम बनाया गया वो मारक क्षमता से शून्य था। मतलब बम अगर फोड़ा जाए या उसका हमला किया जाए तो उससे किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, ये जवाबदारी पूर्वक ध्यान रखा गया, उसके बाद ही बम फोड़ा गया। तो इतिहास जो कहता है इस बारे में कि असेंबली के जो अध्यक्ष थे सर जॉर्ज शूस्टर, उनके पीछे की जो खाली दीवार थी उस दीवार पर बम मारा गया है। वो चाहते तो बम सभा में मार सकते थे, अनेक अंग्रेज लोग वहां बैठे थे जो प्रश्न करते हैं कि उनको केवल अंग्रेजों को मारना था, तो अनेकों अंग्रेज उनके सामने समक्ष मौजूद थे, वो उनके ऊपर बम फेंक सकते थे, पर वो चीज नहीं की। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन की कीमत क्या होती है ये हमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम हमारी पीढ़ियां आप लोगों ने शोषित की है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन की कीमत क्या है ये हम समझते हैं। ये सुखदेव और राजगुरु के वाक्य हैं, कहीं ना कहीं वो चिंतन है उनके पीछे। सही कह रहे हैं आप। बाकी की जो बात कर रहे हैं तो जितने भी कार्य या जितनी भी ऐसी नीतियां भगत सिंह ने कहो, सुखदेव और राजगुरु जो इनके साथ मिलकर काम करते रहे, उसके पीछे एक पूरी की पूरी लंबी एक विचारधारा चली है कि यदि आज हम ये करेंगे तो इसका क्या प्रभाव होगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पीढ़ी पे क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारे विरोधियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब आप कह रहे हैं कि वो असेंबली में बम फेंका और बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी भी दी, जब वो गिरफ्तारी दी तो ये एक रहता है कि जो व्यक्ति आतंक करना चाहता है, जो आतंकवाद को बढ़ा रहा है, वो क्यों क्यों खुद को सरेंडर करेगा सबके सामने, क्यों गिरफ्तारी देगा। तो इसके पीछे भी एक पूरी पूर्व नियोजित एक योजना थी और वो इसलिए थी कि उस समय का सबसे बड़ा यदि कोई मंच है तो वो न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। उस समय इतना सारा तंत्र नहीं था, चूंकि आप जैसा कह चुके हैं कि समाज में हमारे विचार जाए, प्रस्तुत करने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए, एक मंच चाहिए और उन्होंने वहां पर गिरफ्तारी दी। हालांकि ये था कि बम फेंकने के बाद पर्चे बांटे जाए और सारा काम ये भी हुआ, धुआं धुआं किया और पर्चे भी बांटे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी भी दी। और वो इसीलिए क्योंकि जो विचार मेरे हृदय में पल रहे हैं, जो कुछ मैं सोचता हूँ वो ये समाज भी सोचे, वो ये युवा भी सोचे। और उस जब कोर्ट में उनके उनसे जब मुख्य जो वीर होते थे वो प्रश्न करते थे कि तुमने बम फोड़ा, तो ये नकारते थे नहीं फोड़ा, तुम्हें कब पता कैसे फोड़ा, तुमने बम बनाया, ये कहते थे नहीं हमने नहीं बनाया, बोले बनाया तो कैसे बनाया, अब ये जो पूरी जो बनाने की प्रक्रिया है ये बता दी, कल ये अखबार में छप गई और आज तो यही व्यक्ति यही कुछ दल यही कुछ समितियां ऐसा कार्य करे थे, अब घर घर में भगत सिंह पैदा हो गया, घर घर में सुखदेव पैदा हो गया, घर घर में राजगुरु पैदा हो गया। तो इस प्रकार जो पूरा कार्य किया है वो पूरी योजना के साथ किया गया है और किसी में इसके किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपनी माँ को प्राप्त करने के उद्देश्य से थी ये सारी चीजें।